शिक्षा मंदिर में अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए छात्र छात्राएं जहां शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, वहीं शिक्षा मंदिर से संबंधित अधिकारियों की बात छोड़ो, जिला प्रशासन ने भी मुंह मोड़ लिया है। जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की कार्यशैली को देखकर एक दर्जन से भी अधिक ग्रामीणों ने लिखित प्रार्थना पत्र भेजकर दुर्दशा से छुटकारा दिलाने के साथ स्कूल के कायाकल्प की मांग करते हुए सही शिक्षकों की तैनात व इंग्लिश मीडियम स्कूल कराने की मांग की है। मामला प्राथमिक विद्यालय कंजाहार का है। यहां गांव के कुछ दबंग बाशिंदों ने परिसर से लेकर खेल मैदान तक अपना कब्जा जमा लिया है। लोगों ने जानवर बांधने के अलावा परिसर में चारा भी लगा रखा है और खेल के मैदान में कूड़ा करकट डाल रहे हैं, जबकि विद्यालय में शिक्षकों का स्कूल में आने जाने का रवैया भी ठीक नहीं है। विद्यालय की बाउंड्री वॉल न होने के कारण ग्रामीणों ने जानवर बांधने के बजाय चारा भी लगा दिया है। 2 वर्ष पहले बनाया गया अतिरिक्त कक्ष भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? अजेंद्र सिंह। अजेंद्र, कौन सा गाँव है? कंजाहार। कंजाहार, आपके गाँव प्राथमिक विद्यालय कंजाहार में किस तरह की स्थिति, शिक्षा किस तरह से होती है वहाँ? शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, वहाँ पे जानवर बनते हैं स्कूल में, चारा भी रखा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। गांव की कितनी आबादी होगी लगभग? 5,000 के लगभग होगी। 5,000 की। और क्या व्यवस्थाएं स्कूल में? स्कूल की कोई शिक्षा ही नहीं है बच्चों के लिए, वहाँ कोई टीचर भी बढ़िया नहीं है और वैसी व्यवस्थाएँ नहीं है। छात्र संख्या बहुत कम है। ग्रामीणों ने कब्जा कर दिया वहाँ पे? हाँ, कब्जा, उसमें मकान बना रखे हैं, जो खेल कूद के मैदान जो है उसमें लोगों ने मकान भी बना रखे। मकान बना लिए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत आपकी कौन सी है? कलोरपुआ। कलोरपुआ के गाँव कंजार पे जो प्राथमिक विद्यालय है, तो उसे बता रहे ग्रामीण दुर्दशा का शिकार है, क्या है उसमें? उसमें चारा भी है, पूरा करकट भी है पड़ा है, घूरे भी पड़े हैं और कुल चीजें उसमें दुर्दशा है। दुर्दशा का शिकार है। कितनी होगी गांव की आबादी आपकी? करीब 4,000 से ऊपर है। 4,000 से ऊपर है। तो आपको क्या लग रहा है, 4,000 की आबादी पे स्कूल की स्थिति कैसी होनी चाहिए थी? अच्छी होनी चाहिए, उसमें बच्चे भी कम है और उसमें आने के लिए बच्चे तैयार भी नहीं होते हैं, वहाँ गंदगी पड़ी है, जानवर बन रहे हैं, जानवर बनते हैं, कुछ पूरा करकट है, कुछ चारा रखा है। ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले रखा है ना? हाँ।